दोस्तों अगर आप भी श्रेयस अय्यर और विराट कोहली और अक्षर पटेल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हाथ से जा रहे मैच में अय्यर और पटेल ने मचाया कोहराम जिसके दीवाने हुए भारतीय दिग्गज। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने भारतीय टीम के पक्ष से दूर जा रहे मैच में बेहतरीन पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचाया। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी को देखते हुए भारतीय दिग्गजों ने बयान दिया है। अपने बयान में भारतीय दिग्गजों ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की खतरनाक बल्लेबाजी पर भारतीय दिग्गज ने क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने के लिए उतरी, जहां पर विरोधी टीम को 271 रन पर रोक दिया, जिसमें एक समय पर विरोधी टीम ने 69 रन पर 6 विकेट खो दिए। तो वहीं महमदुल्लाह ने 77 और मेहंदी हसन ने 100 रन की नाबाद पारी खेलकर 272 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को दे दिया, जहां पर भारतीय टीम 272 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी और भारतीय टीम ने भी शुरुआती 4 विकेट 65 रन के अंदर दे दिए, जिसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने पारी को संभाल लिया, जिसमें श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल दोनों ने अंत तक टीम को संभाल कर जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। और उनके खतरनाक प्रदर्शन पर भारतीय दिग्गजों का बयान सामने आया, जिसमें कपिल देव ने बयान देते हुए कहा है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जहां पर श्रेयस अय्यर ने दिखा दिया कि वो विराट कोहली की तरह टीम को संभाल कर स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करना जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि श्रेयस अय्यर ने आज दिखा दिया कि उनकी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम जीत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और भारतीय टीम को श्रेयस अय्यर ने खोई हुई इज्जत भी इस मुकाबले में हर बार की तरह दिला दी है। इरफान पठान ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए अक्षर पटेल ने रविंद्र जडेजा के जैसा काम किया है, जहां पर रविंद्र जडेजा गेंदबाजी से तो कमाल दिखाते थे, उसी तरीके से बल्लेबाजी से भारतीय टीम को जीत दिलाते हैं, उसी तरीके से अक्षर पटेल ने भी आज बेहतर प्रदर्शन कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा की परफेक्ट रिप्लेसमेंट हैं और जब तक भारतीय टीम सीनियर खिलाड़ियों के बिना नहीं खेलेगी, तब तक इन बेहतर खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में अक्षर पटेल को इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिला, जिसमें गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर दोनों ने ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, दोनों ने अपनी बल्लेबाजी से दिखा दिया कि वो हमेशा की तरह इस बार भी टीम को संभालने के लिए सबसे आगे खड़े हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए हर किसी खिलाड़ी के साथ छोड़ दिया, लेकिन श्रेयस अय्यर ने एक तरफ से पारी को संभाल लिया तो दूसरी तरफ से अक्षर पटेल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को अपना दीवाना बना लिया और दोनों बल्लेबाजों ने दिखा दिया कि टीम जब जब परेशानी में रहेगी तब तक ये दोनों खिलाड़ी मिलकर टीम को जिताने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।